यहाँ पर 9th क्लास के साइंस की स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 2nd है हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने इसके 4 पार्ट की स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं, ये यहाँ पर 5th पार्ट पढ़ते हैं। क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। आप किसी सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं। वी हैव लर्न इन चैप्टर 1, हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैसेस स्टेट में, क्योंकि वो सब्लिमेट होता है। टू सेपरेट सच मिक्सचर, इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, दैट कंटेन सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसमें सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, किसी ऐसी इम्प्योरिटी के साथ में जो कि नॉन सब्लिमेबल है, मीन जिसका सब्लिमेशन ना करो। मीन आपके पास एक तो नॉन सब्लिमेशन वाला है और दूसरा सब्लिमेशन वाला है, आपने सोल्ट को मिलाया अमोनियम क्लोराइड को मिलाया, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट है जबकि सोल्ट सब्लिमेट नहीं है हमारे पास। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज, यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड विथ सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थ्रीन एंड एंथ्रासीन। कुछ सॉलिड के एग्जाम्पल बताए गए जिनका सब्लिमेशन हो जाता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेप्थ्रीन और एंथ्रासीन। सब्लिमेशन के लिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है किस तरीके से सब्लिमेशन किया जाता है। यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रखी है, एक स्टैंड के एक स्टैंड लिया हुआ है, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई जिस पर आप अपना सब्लिमेशन जो अब जिसका आपको जो मिक्सचर आपको दिया गया उसको रखेंगे चाइना डिश पर, उसके ऊपर एक फनल लगा देंगे और फनल के ऊपर आप लगाएंगे ऊपर कॉटन लगा देंगे। जब आप उसको नीचे बर्नर से हीट करेंगे तो उसकी वेपर बनेगी अमोनियम क्लोराइड के, अमोनियम क्लोराइड की वेपर ऊपर जाकर फनल में इकट्ठी हो जाएगी, जबकि अमोनियम को जो सोडियम क्लोराइड था सोल्ट वो नीचे ही रह जाएगा। पढ़ते हैं आगे। आगे दिया है एक और एक्टिविटी यहां पर दी है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। क्या जो ब्लैक कलर की इंक होती है उसमें डाई सिंगल कलर की होती है। एक्टिविटी करके देखते हैं, यहाँ पर भी दिया है, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर लीजिए, उसकी पतली सी स्ट्रिप ले लीजिए, काट लेंगे पट्टियों के फॉर्म में, ड्रॉ ए लाइन ऑन इट, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए यूजिंग ए पेंसिल से, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, उसकी लोअर एज से 3 सेंटीमीटर तक कोई लाइन खींच लेंगे। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सोल्यूबल, वाटर में घुली हुई है इंक की छोटे छोटे ड्रॉप्स पर डालेंगे, दैट इज फ्रॉम स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर पर डाल देंगे, लेट्स ड्राई, उसको सूखने देंगे, लोअर द फिल्टर पेपर इन टू द जार ग्लास बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। मीन जो फिल्टर पेपर था उसको इस तरीके लटका दें किसी जार में, ग्लास में या बीकर में जिसमें वाटर भरा हुआ हो, कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो वाटर लेवल से ऊपर दिखाई दें, जैसे इंक की जो ड्रॉप है वो वाटर लेवल से ऊपर दिखाई दें, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा रखा होगा यहाँ पर। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे मीन इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ रखेंगे, इसी वॉच केयरफुली, उसको ध्यान से देखें केयरफुली, एज द वाटर राइजर, जैसे जैसे वाटर ऊपर जाता है ऑन द फिल्टर पेपर पे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पिक्चर ये में दिखा रखा है, एक स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की, उसमें एक यहाँ पर स्पॉट ऑफ इंक लगा दिया लाइन के ऊपर बीच में, उसको आपने किसी बीकर में लटका दिया जिसमें वाटर ऑलरेडी भरा हुआ है। नाउ आंसर, अब यहाँ पे क्या आंसर देंगे, व्हाट यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर, आप फिल्टर पेपर को क्या ऑब्जर्व करते हैं, एज वाटर राइजेज ऑन इट, जैसे जैसे वाटर ऊपर को छूता जाता है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर, क्या आपको डिफरेंट कलर बनते हैं ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पर क्या आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग कैन बी द रीजन राइजिंग ऑफ द कलर स्पॉट ऑन द
पेपर स्ट्रिप, आपके अकॉर्डिंग क्या रीजंस रखते हैं कलर स्पॉट के ऊपर जाने के? कहा है द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट, जो हमने इंक इस्तेमाल की थी उसमें वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में था, एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट, और डाई होती है उसके अंदर घुली हुई थी। एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे कि जो वाटर है वो फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ता है, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल, तो वो अपने साथ साथ डाई के पार्टिकल्स को भी ऊपर लेके जाता रहता है। यूजली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर, अधिकतर एक डाई जो होती है वो दो से ज़्यादा कलर की ही बनी हुई होती है। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो कलर कंपोनेंट जो कि वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, राइजेस फास्टर, वो ऊपर उठता चला जाता है। इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, इस तरीके से जो कलर जो होते हैं वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, ज़्यादा सेपरेट जो ज़्यादा घुलने वाला होगा वाटर में वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, जो कम घुलने वाला होगा वो नीचे आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी, इस तरह के प्रोसेस के जरिए सेपरेशन का जो कंपोनेंट का प्रोसेस हमने किया है, इस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट के सेपरेशन का प्रोसेस को आप क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमा जो यहाँ पर वर्ड लिया गया उसका ग्रीक मतलब होता है, यानी ग्रीक वर्ड है तरीके से, इसका मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक फास्ट वॉज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, इसका इस्तेमाल पहले कलर के सेपरेशन के लिए ही किया गया था, सो दिस नेम वर्ड की मैंने इसलिए इसी तरह यह नाम दिया गया है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कलर को अलग करने के लिए ही किया गया था। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट, जिनका इस्तेमाल उस सॉल्यूट को अलग करने के लिए किया जाता है, दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, जो कि सिर्फ एक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से न्यू टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, आजकल नई तरह की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बन चुकी है। यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन द हायर क्लासेस, आप हायर क्लासेस में जाकर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है इसका? टू सेपरेट कलर इन ए डाई, डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर से पिगमेंट को निकालने के लिए मीन का डाई जो होती है वो भी। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए। आगे दिया है हाउ कैन यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? मिसिबल लिक्विड जो कि आपस में मिक्स हो सकते हैं ऐसे लिक्विड। लेट्स ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर, यहाँ पर एक्टिविटी दी है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लिया, उसको आपको सेपरेट करना है। टेक ए मिक्सचर ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क, मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेंगे, फिटेड विद ए थर्मोमीटर, उसके ऊपर थर्मोमीटर लगा देंगे। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन द फिगर, जरा फिगर में दिया हुआ होगा आगे वैसे एपरेटर को बना लेंगे, जमा देंगे। हीट द मिक्सचर स्लोली, मिक्सचर को धीरे धीरे हीट करते जाएंगे, इन ए क्लोज वॉच, कीपिंग ए क्लोज वॉच एट थर्मोमीटर, थर्मामीटर वहाँ पर लगे, जो थर्मामीटर है थर्मामीटर को देखते हुए उसको गर्म करते रहेंगे। एसीटोन वेपराइज, एसीटोन वेपराइज हमें लगता है कंडेंस इन द कंडेंसर, ठंडा होता है कंडेंसर में जाकर, कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर आउटलेट से निकल कर वो इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क, क्योंकि वाटर जो होगा वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रहता है। ये यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी, पहले फ्लास्क दिया हुआ है, फिर जो गोल फ्लास्क दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया आपने, इसको हीट करा, ऊपर थर्मामीटर लगा रखा है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे। जब गर्म करेंगे तो एसीटोन की वेपर बनेगी, एसीटोन की वाष्प बनेगी, जो आगे चल के इसमें जो यहाँ पर कंडेंसर बना हुआ है कंडेंसर में पहुँच जाएगी, ठंडी होगी। इस कंडेंसर में नीचे से वाटर फ्लो करते हैं, ऊपर से वाटर निकलता रहता है, तो यहाँ पर जाकर ठंडी हो जाएगी और एसीटोन नीचे यहाँ पर दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दो मिसिबल लिक्विड का सेपरेशन आप कर सकते हैं।